लोगों की गिनती चेक करते जाओ बस यहाँ पे। ऐसा लगता है स्टेडियम में मैच देखने, भाई क्या भीड़ हुई पड़ी है भाई, मेरा तो यहीं से निकलने का मन नहीं कर रहा यार। इसी की बात कर रहा था, श्री शक्ति को काफी टाइम से मुझे लगता है यहाँ पे रोक के रखा हुआ है, इसके पीछे तो जेलम लगी हुई है। नई दिल्ली से अमृतसर तक पहली ट्रेन चलने वाली एंड टू एंड इंटरसिटी यही थी, जहाँ ये चली गई थी 1 अक्टूबर 1976 में, जहाँ अंबाला कैंट अभी निकल चुका है। और अभी का ये देखो जो व्यू देखोगे ना, ट्रेन अभी भी खचाखच भरी हुई है। और अब तक मैंने नहीं देखा होगा किसी को कोई ट्रेन से उतरा हुआ। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि शान पंजाब चलो ठीक है, आप लोग कहते हैं ना कि शान पंजाब कहते हैं तो पंजाब की शान से दिल्ली हरियाणा पंजाब की शान है, लेकिन पैसेंजर वो पंजाब के लिए ही ट्रैवल करते हो। तो हाँ जी बॉस, क्या हाल चाल है भैया? अभी नई दिल्ली के 16 नंबर साइड ही हूँ, आज मेरी गेट साइड यही है भाई। सुबह सुबह का नज़ारा जो यही लग रहा है, तो लगभग 6 बजने को आ रहा है गाड़ी। तो भैया हमने टाइटल से देख के समझ गए जी, हाँ भैया शान है पंजाब। मतलब देखो भैया, आप ही लोगों ने यहाँ पे पोल में मतलब वोट किया था, जिन लोगों ने भी किया था, तो गिने चुने लोगों ने किया था। लेकिन ठीक हो भैया, अब आपकी डिमांड पर मैंने ये वीडियो भी बना रहा हूँ, तो पहले ही लाइक कर देना इसको। हालांकि मेरे को पता था कि आप लोग इसी को वोट करोगे, और जब पोल मैंने किया था ना, तो मैंने पहले ही बुकिंग करवा ली थी, क्योंकि मेरे को पता वोटिंग इसको मिलेगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं इंद्रजीत इस बार हूँ नई दिल्ली पे। और जर्नी तो भैया बता ही दिए किसकी है, अभी फटाफट अंदर चलता हूँ, क्योंकि नई दिल्ली पे ना सुबह सुबह अंदर जाने का बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत पसंद जा जाता है यहाँ पे। भाई यही एक रीज़न था, इसीलिए मैं बोल रहा था पहले अंदर ही चलता हूँ, यहाँ से आगे चल के यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर आगे ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को। चलो भाई 14 पर आ चुका हूँ, अभी कटरा वंदे भारत गई, इसके बाद ही लगाई जाएगी शान पंजाब। अब देखो भैया, एक तो चलो आपने वोट किया था वो, तो उस वजह से एक समय ट्रैवल करना, एक तो और रीज़न है वो भी आपको बाद में बताऊँगा। तो यही है बॉस, 12497 मतलब शान पंजाब, रेख शेरिंग इसका तार के साथ है जो यहाँ से झांसी जाएगी। यही है बॉस मेरा कोच भी, C1 सबसे पीछे को ही है मेरा कोच, और ये तो SLR है। अब C1 C2 C3 तीन AC कोचेस हैं, और D1 से D14 तक आगे सेकंड सीटिंग के रिजर्व कोच हैं, और दो जनरल है वो आगे की तरफ है। टोटल मान लो 21 कोचेस की ट्रेन है ये। यहाँ पर लग चुकी है पंजाब की शान, शान है पंजाब, मतलब पंजाब की शान नहीं कहूँगा, मतलब ऐसा कहना गलत होगा, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो दिल्ली हरियाणा पंजाब की शान, तीनों की कहूँगा ना, क्योंकि दूर तो वहीं से होकर जाती है ना। हालांकि वो अलग बात है, मोस्टली पैसेंजर तो इसमें पंजाब की ट्रैवल करते हैं। चलो अभी जब लोग कोच खाली है, अभी कोई आया नहीं है, पहले अंदर का ही शूट करके दिखा देता हूँ। और मेरी ना सीट जो है ना वो बहुत अच्छी मिली है, एक तो इंटीरियर बहुत साफ़ सुथरा है, सीट मिली है 4 नंबर, यानी बिल्कुल ऐसे पूरी प्राइवेसी मिलती है जिसकी, 2x2 वाला सीटिंग कॉम्पोजिशन होता है ना एंड वाली में, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। AC तो भैया अंदर पूरा चिल मार रहा है। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया, आगे जो SLR था ना कोच, उसमें पहले से लोग बैठे हुए थे, मतलब हो सकता है आगे से पहले चलती हुई मैं चढ़ गई हूँ, तो हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत भीड़ रहती है, जनरल कोच बहुत कम, आगे दो ही मैंने बताया पहले थे, और एक SLR है पीछे, बहुत मारामारी रहती। और इस टाइम पे तो वैसे भी दिल्ली से अमृतसर के बीच में जो भी इंटरसिटी ट्रेन चल रही है, चेतका ट्रेन, सब में फुल ऑक्यूपेंसी है, स्वर्ण शताब्दी, अमृतसर शताब्दी, सब में। अभी मेरे को उसी चीज़ का वेट है कि अमृतसर वंदे भारत भी जल्दी चलाई जाएगी, लेकिन उसका कहीं भी थोड़ा शायद टाइम लग जाए, यहाँ अगस्त तक या जुलाई के एंड तक में भी हो सकता है, या एक्सटेंड भी और हो सकता है, क्योंकि पंगा क्या है कि अगर अमृतसर वाली वंदे भारत चलेगी ना, तो वो अमृतसर से सुबह चलेगी, और प्राइमरी मेंटेनेंस भी अमृतसर में होगा, तो उसका कोई वॉशिंग लाइन का कोई थोड़ा चक्कर है अमृतसर में, वो जब पूरा बन जाएगा ना फिर चलाई जाएगी। अभी कुछ 6:20 के करीब टाइम हो रहा है, उधर भी शाली आ रही है, ये तो शुक्र है कि मैंने सही टाइम पे पहले ही आ गया, क्योंकि अभी जो है ना बहुत क्राउड हो रखा कोच में, फुल यहीं से पैक हो जानी है ये वाली ट्रेन। एक चीज़ इसकी नोट की है कि इसमें जो है ना वो कर्टन जो लगे होते हैं, भले ऊपर वाले भी और ये वाले भी, कोई भी नहीं है। मैंने पीछे की थी ना कुछ टाइम पहले पटना जन शताब्दी, उसमें फिर भी लगे हुए थे, इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा ऐसे लग रहा कोविड से पहले ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब कोविड वाली ट्रेन में उसमें होता था ना ऐसे, ये कुछ ही ना। बाकी ऊपर लाइटिंग जो है अच्छी लगी हुई, चलो ये सही है, बाकी दो दो सॉकेट हैं, ये भी अच्छा है। 6:30 के करीब टाइम आया, और मैं इधर लोगों को दिखाने आया हूँ, P5 भी है हाईराइज पेंटोग्राफ वाला, आजकल P5 देने लग गए यार, अमृतसर इंटरसिटी को भी P5 मिल रहे हैं, स्वर्ण शताब्दी को भी P5 देने लग गए हैं। चलो वापस चलता हूँ, 10 मिनट ही बचे हैं। मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि आगे वाले जो दो कोचेस हैं ना वो जनरल है, इसमें क्या आप इन लोगों ने जुगाड़ क्या किया है, ये लग तो सीटिंग वाले कोच ही, अगर आप गौर से देखोगे ना तो इस पे GS लिखा हुआ है, इस पे भी और एक पीछे वाले पे भी, बाकी इन दोनों कोच को छोड़ के बाकी सारे रिजर्व कोचेज हैं। हालांकि इन लोगों ने बस यही चाहिए, बहुत सी इंटरसिटी ट्रेन में दिख रही मेरे को, दिल्ली पठानकोट में भी यही दिखी है मेरे को कुछ टाइम पहले मैं आया था, और अमृतसर इंटरसिटी में भी यही चीज़ दिख रही है, ये देखो ये भी GS लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कोच जनरल ही है। चलो अगर आप में से कोई इसमें ट्रैवल करेगा ना, जनरल की टिकट लेके भैया इसमें चढ़ जाना, सीट बुक कर लेना बस अपनी, मज़ा आएगा, रिजर्व कोच में जाओगे अनरिजर्व टिकट लेके भी। चलो अब कुछ कह लो 8 मिनट से डिले, फिर निकली है ये नई दिल्ली से,
अब इसका सफ़र एक बार फिर से नई दिल्ली से अमृतसर का सफ़र, जी हाँ शान पंजाब में। लास्ट टाइम मैंने किया था स्वर्ण शताब्दी में, वो इससे अभी 40 मिनट बाहर निकलेगी, आगे हमको पीछे करेगी। इस बार इसमें करो शान पंजाब में। अभी 7:35 हुए हैं, फर्स्ट स्टॉप सोनीपत पे आप पहुँचिए जाके, थोड़ा बहुत टाइम से पीछे है। अभी अंदर ही बैठा हूँ, पानी पर से थोड़ा बात कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सभी स्टॉप कवर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा आएगा। इसका पता ही नहीं चला कब सोनीपत ये पहुँच भी गई है, मतलब मैं बैठे ही होता बैठे बैठे पता ही नहीं लगा। तो 130 एकदम से, मतलब सब्जी मंडी निकली उसके बाद सीधा 130 और यहाँ पे, तो प्रायोरिटी तो है ही है, मतलब ये तो मोस्ट प्रायोरिटी ट्रेन और मोस्ट डिमांडेड ट्रेन भी है यहाँ नई दिल्ली से अमृतसर के बीच में। और स्टॉपेज भी मतलब इसके ठीक ठाक है शताब्दी से, लेकिन ज़्यादा। अब देखो शताब्दी इसके पीछे चलेगी, वो 40 मिनट बाद चलेगी, लेकिन उसका पहला स्टॉप अम्बाला वो इससे पहले पहुँचेगी। पानी अंदर खाने पानी बोतल नहीं।
अब आपको बताता हूँ कि मेरा इसमें मकसद क्या था सफ़र करने का। देखो अब आपने जितना अभी तक मैंने ट्रैवल किया है नई दिल्ली से अमृतसर रूट में, बेसिकली मैंने आप कम्युनिटी में भी यही डाला था कि दिल्ली से अमृतसर रूट के बीच में कोई ट्रेन सजेस्ट करो, तो मेरे को एंड टू एंड चाहिए थी। एंड टू एंड ये दो शताब्दियाँ हैं, ठीक है, एक ये है एक अमृतसर इंटरसिटी है, हालांकि दिल्ली पठानकोट भी है, चलो वो भी ऑप्शन था। लेकिन अब देखो क्या है, मैंने अब तक जितनी भी ट्रेन जर्नीस की है ना, वो सभी इसको छोड़कर बाकी सब मैं कर चुका हूँ। स्वर्ण शताब्दी दो बार कर ली, अमृतसर शताब्दी एक बार कर ली है, दिल्ली पठानकोट मैंने काफ़ी टाइम पहले की थी, मतलब छोट जर्नी की थी लुधियाना से अमृतसर तक की, और इसमें मैंने एक बार भी नहीं किया, अमृतसर इंटरसिटी भी कर ली है, तो बची थी ये, मेरे को चाहिए थी कोई ऑप्शन, तो मतलब एक यही था ऑप्शन। अब कुछ आप में से बोल रहे थे कि यार दिल्ली पठानकोट करो, देखो मैं कर लूँगा, मेरे को वो नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, एक दो महीना उसको करने में वो मैं, लेकिन पठानकोट से दिल्ली तक करूँगा, लेकिन लग जाएगा टाइम, करूँगा जरूर, इतनी मेरी गारंटी दे रहा हूँ। तो ये कुछ सीज़न था, इस वजह से मेरी सेटिंग इसमें बैठ गई, और ये सब पूरा दिन में रूट कवर करेगी, हर दिन में तो स्वर्ण शताब्दी भी और दिल्ली पठानकोट भी थी, मेरे को यही सेट बैठी थी। बस लगभग टाइम से कुछ 12-13 मिनट का गैप है, पानीपत पहुँची है, लगभग कह लो कि लगभग 90 किलोमीटर अब तक कवर किया है नई दिल्ली से लेकर। यार एक तो ये लेट आई, अब रुकेगी कब तक पता कुछ नहीं है, और एक तो दिक्कत पता क्या हो रही है मेरे को, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट इसी ट्रेन में मेरा, मैं डिपेंडेंट था कि ऑन बोर्ड केटरिंग पे डिपेंड था। हाँ तो भैया कोई ऑन बोर्ड केटरिंग वाला मेरे को दिखा, बस चाय आए थे, चाय वाले वेंडर देख रहा हूँ यार, यहाँ पे तो भैया वो ब्रेड टोस्ट ही मिलते हैं और कुछ तो मिलता नहीं है। ज़्यादा रुकी तो है नहीं यार, चलो ऐसे काम चलाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ से निकल तो चुके, लेकिन मैंने देखा अब तक मैंने देखा सफ़र का कुछ भी नहीं पता चला। सोनीपत में भी बताया था कब, मतलब कब दिल्ली से सोनीपत और सोनीपत से मतलब पानीपत आ गई, पता ही नहीं चला। यहाँ से चल भी पड़ी है, अब पंचुअलिटी भी मेनटेन करनी होती ना फिर इस ट्रेन की। सो भैया अभी 8:30 हो रहे हैं, और अब जा करके मैंने वेंडर से ये ब्रेड कटलेट लिया, 50 का बोल रहा था, वैसे 40 का मिलता है, लेकिन अब ये कि ठंडा ही पड़ा, गर्म तो है नहीं, मेरे को इसी में काम चलाना पड़ेगा, और कुछ है भी नहीं ऑप्शन मेरे पास। यही है बॉस, सॉस मिलेगी, दो ब्रेड के पीस मिलेंगे और कटलेट्स मिलेंगे, जो कि ठीक ठाक कंडीशन में है, ज़्यादा खास भी नहीं कहूँगा इसको। चाय का अरेंजमेंट ना मैंने पहले से कर रखा था अपने लिए, ये मेरे कैटल अपने लिए लिया था, और नई दिल्ली के बाहर अजमेरी गेट साइड से मैंने चाय इसमें भरवा ली थी। चलो ये सही है, वैसे भी ऑन बोर्ड केटरिंग की चाय का मेरे को भरोसा ही नहीं है। भैया गाड़ी तो अपनी कुरुक्षेत्र एंटर कर रही है, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आजकल ट्रेन जो है ना आज के दिन बहुत लेट हो रही है। ये तो इतनी लेट नहीं है, लेकिन दिल्ली होशियारपुर दिल्ली पीछे इसके आ रही, कालका मेल और संबलपुर वाली भी बहुत लेट हो रही है टाटा वाली, ये तो
शी शक्ति है, सॉरी मुझे लगा अमृतसर शताब्दी होगी, इसको भी रोका हुआ है यहाँ पे। सो भैया कुरुक्षेत्र पे तो आ चुकी है, मैं इसी की बात कर रहा था। श्री शक्ति को काफ़ी टाइम से मुझे लगता है यहाँ पे रोक के रखा हुआ है, इसके पीछे तो जेलम लगी हुई है। अभी चक्कर मेरे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं ये इतना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है शायद ये भी ना लेट कर दे इसके चक्कर में आगे, क्योंकि मालवा लेट चल रही थी उसको रोक के तो हमारी को निकलवाया, और हमारी रोक के अभी शायद स्वर्ण शताब्दी निकाल दे, हो सकता है यहाँ आगे रोक दे किसी बीच वाले स्टेशन पे। मोस्ट प्रोबेबली तो यहीं पे होता ओवरटेक, सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं था कि ये मालवा को पीछे करके आएगी। चलो जो भी है, हो सकता है वो लॉन्ग डिस्टेंस वैसे भी वो लेट है तो चलो मानना पड़ेगा, ये तो फिर भी लगभग टाइम से ही चल रही है। अभी सिग्नल मैंने चेक किया, हो चुका है ग्रीन, मतलब यहीं पे ओवरटेक मारेगी। अब देखा जाए तो कोइंसिडेंस चेक करो, एक नंबर से मतलब पहले चार ट्रैक्स जो है ना, एक नंबर से लेकर दो नंबर के बीच में जो बीच वाले ट्रैक्स है एक साथ ऑक्यूपाइड होने वाले हैं। जब स्वर्ण शताब्दी आएगी तब पहली पे ये खड़ी है, बीच वाली पे स्वर्ण शताब्दी, तीसरी पे श्री शक्ति है, चौथी पे झेलम खड़ी हुई है, मतलब चार ट्रैक्स लगातार ऑक्यूपाइड होंगे। अब श्री शक्ति का तो हॉन्ग भी हो चुका है, श्री शक्ति तो जाने वाली है और साथ ही में स्वर्ण शताब्दी अब आ गई है भाई। जेलम तो भैया अभी भी खड़ी हुई है, हमारी तो निकल चुकी है अब। हेलो भैया, अब एक गई तो दूसरी आई, ये आई है कालका नई दिल्ली शताब्दी। कह ही रहा था अभी, बात ही की थी कि यार कहीं हमारी ट्रेन को भी ना डिले करते। चलो अभी इतना तो नहीं हुआ, थोड़ी देर रुक के ही चल पड़ी है, अभी ना ही हो तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि मैंने पूरा अमृतसर तक जाना है इसमें और वापस भी आना है मैंने, तो ये ना हो मेरे को रात हो जाए घर आते आते। अभी उचार को, उचार से तो पहले ही निकली है हमारी भी। तो भैया लगभग कह लो टाइम पर ही अभी एंटर कर रही है हम बाला कैंट पे। मैंने देखा अब ये वाला जो बोर्ड है ना, अब इन्होंने यहाँ पे लगा दिया था, पहले बोर्ड था नहीं 6-7 नंबर पे, अभी लगाया कुछ टाइम पहले 10 बजे से भी पहले इस ट्रेन ने, मतलब 2-3 मिनट पहले एडवांस ही पहुँचा दिया हम बाला कैंट पे। चलो ये अच्छी बात लगी मेरे को, हालांकि अब मतलब मेरे पास 5 मिनट आराम से, नहीं तो अब तक तो है मैं डर के मारे बस स्टेशन से बाहर नहीं रहा। एक कुरुक्षेत्र पे रुकी थी बस, वो भी ओवरटेक के चक्कर में। हालांकि मैंने सुबह का बस कटलेट ही खाया, ब्रेड कटलेट, यहाँ पे वैसे छोले कुलचे छोले भटूरे मिल तो रहे हैं, लेकिन मैं अभी लूँगा नहीं, क्योंकि क्या है कि मैंने तो लुधियाना से होकर ही आया, लुधियाना तो मेरा ही घर है यार। मैंने घर पे फ़ोन कर दिया था, वो कह रहे कोई बात नहीं मेरे घर से कोई आएंगे तो मेरे को वहीं पे खाना वगैरह पकड़ा देंगे स्टेशन पे लुधियाना पे। अंबाला कैंट भाई स्टेशन को UMB 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 5 डिवीज़न में से एक, वैसे तो मैंने बताया हुआ यार मेरा अंबाला कैंट से बहुत बार निकलना हुआ पड़ा है। अभी मैंने कुछ आपने बहुत सी वीडियो में भी देखा होगा अंबाला कैंट से बहुत बार निकला हूँ,
और ऐसी भी जर्नी मैंने की जो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, क्योंकि मैं रात में आया था, जम्मू मेल में निकला था, तो यहीं से होकर के गया था। काफ़ी जर्नी मैं करता भी नहीं हूँ, तो यहाँ से निकला हूँ। लुधियाना से दिल्ली मैंने काफ़ी जर्नी ऐसे ही की हुई है। यहाँ से अब ना ट्रेन के टीटी स्टाफ कुछ चेंज हो रहे हैं, ट्रेन मैनेजर सर वही रह रहे, सिर्फ कमर्शियल स्टाफ टीटी वगैरह चेंज हुए हैं, बाकी तो सब वही है। चलो बॉस, अब बाला से भी निकल गई है, अब ये लास्ट हॉल्ट है इसका हरियाणा में, मतलब अब इसके बाद शान पंजाब पंजाब में एंटर करेगी। तो फाइनली भाई पंजाब की शान शाने पंजाब अब आ चुकी है राजपुरा, बेसिकली पटियाला डिस्ट्रिक्ट में आता है, यानी हम लोग कह सकते हैं शान पंजाब, मतलब कह सकते हैं, मतलब तो पंजाब में एंटर करके पहला स्टॉप है इसका पंजाब में। जी हाँ, इंडिया बिगिंस हेयर, जी हाँ यही टैगलाइन है पंजाब के टूरिज्म की। घर बताया यार अपने पंजाब साइड से, वैसे अब तो ये पूरा पंजाब में जाएगी अमृतसर तक, लेकिन धूप बहुत हो रही है ना, फिर भी मतलब बाहर आके अच्छा लग रहा है मेरे को। पटियाला डिस्ट्रिक्ट में आता है राजपुरा पे, ये बेसिकली देखा जाए तो मतलब पटियाला जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है, पटियाला रेलवे स्टेशन वो इतना ज़्यादा बिजी नहीं होगा जितना ये है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आता है। यहाँ पे मैंने बोला था ना काफ़ी लोग पंजाब में ही उतरेंगे, तो आप देख सकते हो आगे कितना ज़्यादा क्राउड लगा हुआ है, चढ़ भी रहे हैं उतर भी रहे हैं, इतना क्राउड इससे पहले किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं था। मतलब आज से साल पहले डिमांड रही थी कि इसको भी अलग ज़िला बना दिया जाएगा, क्या लगता है पंजाब वालों बताओ, इसको अलग ज़िला बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए राजपुरा को? यार जर्नल वालों का देखो अलग ही स्ट्रगल है ना, SLR के अंदर भी वो जो लगेज वाले में घुसने की स्ट्रगल कर रहे हैं वो। मैं फिर भी ना मतलब जब भी ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ ना, अब जैसे AC में चलो इस लायक हूँ ट्रैवल करता हूँ, मैं हर बार शुक्र मनाता हूँ कि यार कम से कम मैं इस लायक तो हूँ, नहीं तो इनको देखकर कभी ना कहीं ना मन को होता है कि यार इनकी ज़िंदगी कैसी है, इनको स्ट्रगल करना पड़ा जनरल के लिए। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं जनरल में नहीं जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ, बहुत ट्रैवल करता हूँ, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में भाई मेरे से होता नहीं, मैं तो उम्मीद छोड़ चुका होता हूँ। और राजपुरा, वैसे राजपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, एक जहाँ हम अमृतसर साइड जा रहे हैं वो रूट है, एक अम्बाला साइड से आ रहे हैं, और एक ये लाइन जाएगी जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है, जी हाँ पटियाला साइड में। चलो बॉस, अभी लुधियाना पे एंटर कर रही है, ये दादर आ रही है, दादर हाँ अमृतसर से मुंबई CST।
उस साइड आया यार प्लेटफॉर्म 3 पे आई है, ये 4 तो जा रही है। अब मैंने बोला था ना लुधियाना मतलब पंजाब साइड ही लोग ज़्यादा उतरते हैं, चलो थोड़ा बहुत क्राउड लग गया, खाली हो लेने दो फिर बाहर ही मिलता हूँ। 2 पे हिमगिरी खड़ी है, अपने घर तो आ गया हूँ यहाँ पर, रुकूंगा नहीं क्योंकि भैया वादा किया था आपसे एंड टू एंड जाऊँगा। मैंने पहले भी कम्युनिटी में ही बोला था दिल्ली टू अमृतसर एंड टू एंड, तो एंड टू एंड जाऊँगा ही, उतरने को तो मैं यहाँ भी उतरूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी घर जाके आराम कर सकता हूँ। हो सकता है हमारी पहले चल पाए, इसको पीछे करते, वैसे भी ये लेट है 3 घंटे से ज़्यादा ऊपर लेट है, हिमगिरी ये हमेशा लेट ही रहती है, पहले भी मालवा को ओवरटेक किया, अब इसको ओवरटेक करेगी मेरे हिसाब से यहाँ से, जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि इसका सिग्नल अभी रेडी है। देखो लुधियाना पे मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट होता है, लेकिन चेयर कार ट्रेन का इतना नहीं होता, शताब्दी भी बस 3 या 4 मिनट रुकती है, और ये भी मतलब 5 मिनट इसका ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने होम टाउन की ना अलग ही बात होती है। लुधियाना वैसे पंजाब का मैंने बताया बहुत सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा आबादी भी यही है, और अब तो बात जी भी चल रही है कि लुधियाना को अपना एक एयरपोर्ट मिलने वाला है, हलवारा पे सुना है, लेकिन उसका यह है कि 40 किलोमीटर दूर है शहर से, उसका यह सुनने में आ रहा है सितंबर अक्टूबर तक ओपनिंग हो सकती है उसकी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसेंजर उतरे हैं, और अब ये वापस जाएगी ना शाम को जब अमृतसर से नई दिल्ली अमशाने पंजाब बन के, तो सबसे ज़्यादा पैसेंजर इसी में यहीं से भरेगी, इसमें भी और सामान्य शताब्दी का इनका यही होता है। चलो भैया तकरीबन 15 मिनट रुकने के बाद और एक बार चेन पुलिंग होने के बाद अब निकली है, हिमगिरी से पहले ही चलाया हमको और बनता भी था। चलो भैया अब अपने घर को भी बाय कर देते हैं, शाम को इसी ट्रेन से फिर वापस यहीं आना मेरे को, और ये हिमगिरी तो भैया लगी हुई है, इसमें तो भैया सीट ही नहीं मिलती, आपको 3-3 महीना पहले बुक करवानी पड़ेगी सीट, तब जाके मिलेगी आपको। तो भैया कोच का तो कुछ ये हाल है, मतलब कुछ सीटें खाली हो चुकी यहाँ से, और मेरे पापा ना मतलब मेरे फादर आए थे लुधियाना में, वो मेरे को लंच पकड़ा गए थे, मतलब खाना पीना यही है बॉस, अभी इसको खोलना पड़ेगा, लेकिन घर का खाना घर का ही होता है, आप जितना मर्जी बाहर का खा लो, वैसे जितनी क्वांटिटी में इतना इन्होंने भेजा है चलो ये तो शुक्र है, रोटी मतलब परांठे 2 ही हैं एक तरह से, सब्जी इतनी मेरे से फिनिश भी नहीं होगी, अभी तो चावल भी हैं भैया इसमें, और चलो जो भी है भाई। भैया आज का पता नहीं क्या सिलसिला हो रहा है, जिस भी स्टेशन पे जा रहे कोई ना कोई ट्रेन मिल ही रही है हमको पीछे करते को, पता ये भी नहीं है इसको पीछे करते हैं कि नहीं करते, फिलहाल तो भैया फगवाड़ा पे आए हैं। दुआबा रीजन में आपका स्वागत है, बेसिकली दुआब इसको कहते हैं, यानी कि लैंड ऑफ 2 रिवर, मतलब 2 रिवरों के बीच में जो बसा हुआ फगवाड़ा कपूरथला रीजन में आता है। अब दुआबा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो मैंने बोला 2 रिवर्स के बीच में जो आता है, मतलब लैंड ऑफ 2 रिवर्स, क्योंकि यहाँ से देखो अभी सतलुज रिवर निकली है और आगे है ब्यासा नदी, तो ब्यासा मतलब जो ब्यासा नदी और सतलुज रिवर के बीच में जो पंजाब में एरिया आता है ना वो दुआबा एरिया के बीच में है, दुआब कहते हैं कि दुआबा कहते हैं। चलो भैया सिग्नल तो हो गया है, देखो भैया मैं अब बता रहा हूँ मैं क्यों इसकी इतनी तरफदारी कर रहा हूँ शाने पंजाब की, ये होती प्रायोरिटी। अब तक आपको पता ही चल गया हमने सुबह से कितनी ट्रेन को पीछे किया, पहले मालवा की थी, उसके बाद फिर हिमगिरी को भी किया है, और एक आधी पैसेंजर ट्रेन भी थी वो मैंने स्किप कर गया था, मतलब काफ़ी ट्रेन को 3-4 ट्रेन को पीछे छोड़ के हमारी ट्रेन, तो एक ये होगी उसमें से, तो आप सोचो हालांकि ये लेट नहीं है, वो लेट थी ये लेट नहीं है, वो भी इसकी वजह से हुई है लेट, 28 मिनट का गैप है इसका इसके शेड्यूल से। लुधियाना का मैंने इसका टाइम देखा टाइम से, मतलब टाइम पे ही आई थी, 10 मिनट बाद निकली अपने टाइम से, और ये भी टाइम से मतलब 15 मिनट का गैप होगा इसका यहाँ पे, तो आप सोच सकते हो कि क्या इसकी प्रायोरिटी रहती है। वो मेल है ये सुपरफास्ट है, स्टॉप दोनों के सेम है, लुधियाना से अमृतसर उसके भी 3 स्टॉप है, हमारे भी 3 स्टॉप है, मैंने देखा कुछ लोग उसमें उतर के इसमें चढ़ गए हैं क्योंकि उनको पता ये वाली पहले जाएगी। और ये देखो जल सेवा यहाँ पे यार, बचपन के दिन यार आगे फगवाड़ा पे जो जल सेवा लगती है ना, लोग भाग भाग के कप फटप पकड़ाते होते थे पानी के, और चलती ट्रेन में हम कप नीचे फेंक देते थे पानी पी के। भैया अभी जलंधर कैंट की के ही क्रॉस कर रही है, स्लो काफ़ी हो गई है, मे भी शायद रुक जाए।
सो भाई लगभग कह लो कि 1 बजे से भी ऊपर टाइम हो गया इसका, 12:50 का टाइम था अब जाके आ रही है ये। और अभी क्या है कि कुछ कॉपेसेंजर मिले थे मेरे को, वो कह रहे थे कि अभी ये क्या है कि अमृतसर टाइम पे पहुंच जाती है, लेकिन यार इसका ये जलंधर सिटी थोड़ा बहुत लेट कर जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जम्मू तवी से अहमदाबाद जाती है ट्रेन वो छूट जाती है, क्योंकि उसका 10-15 मिनट का गैप है इसके और उसके बीच में। तो क्या कि कुछ वो स्टाफ थे रेलवे को, वो कह रहे कि मेरे को RCF कपूरथला जाना होता है तो वही मिलती है, अब वो निकल जाती है तो मैं रह जाता हूँ। जलंधर कई चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे है टूल्स, लेदर, चमड़े के लिए और स्पोर्ट्स के लिए तो है ये, यहाँ की जो बेसिकली हॉकी के इक्विपमेंट्स ज़्यादा बनते हैं, हॉकी वगैरह के, फुटबॉल, ऐसे कई को नेशनल प्लेयर्स है वो यहीं से इक्विपमेंट ले जाते हैं, एक यहाँ से और एक मेरठ। मेरठ में बेसिकली क्रिकेट का ज़्यादा है, यहाँ पे इतना क्रिकेट का नहीं है, यहाँ पे बाकी स्पोर्ट्स का ज़्यादा रहता है। अगर आप पीछे से देखोगे ना तो लेफ्ट साइड में एक ट्रेन आ रही है, वो है जम्मू तवी अहमदाबाद, वो तो चलो आज ये ट्रेन पहले आ गई तो अच्छा है, मिल जाएगी अपन एम्प्लॉय को। और राइट साइड अगर पीछे गौर से देखोगे तो हमारी लाइन के पीछे आ रही है, जिसको हमने फगवाड़े पे पीछे किया था, अजमेर अमृतसर वाली। एक तो 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर अभी हो रहा है। अभी इसमें दिक्कत मेरे को पता, मेरे को ज़्यादा नहीं होगी, मेरे को तो एसी में बैठना है। दिक्कत पता क्या, मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना वो गर्म हो जाता है ना, तो वीडियो ना फिर बाद में वो लैग करने लग जाता है, वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाता, तो मेरे को फ़ोन स्विच ऑफ करके फिर दोबारा ऑन करना पड़ता है, फिर जाके थोड़ा बहुत काम करने लायक होता है। सो भैया अब कुछ 15 से 20 मिनट रुकने के बाद और कुछ 10-12 मिनट और डिले होने के बाद फिर निकली अब ये, अब जाके निकली है जलंधर सिटी से। तो भैया गाड़ी पहुंच चुकी है ब्यास पे, ज़रा ये क्राउड चेक करना ज़रा, ये देखो भैया आज है संडे, लोगों की गिनती चेक करते जाओ बस यहाँ पे। ऐसा लग रहा है स्टेडियम में मैच देखने हैं भाई, क्या भीड़ हुई पड़ी है भाई। यार इनको देख कर ना मेरे को डर आ गया मन में, क्योंकि मैंने वापस भी इसी शान पंजाब में जाना है और इसका तो पता ही है जितनी भीड़ से आई है, और इन सबको देख कर तो भैया बस क्या कहें, बस अब यार क्या भीड़ है मतलब इनकी। उधर बाहर में गया था, इधर अब आया हूँ, यार इधर भी वही हाल है, मैं उधर देखता था यहाँ देखा यहाँ पे भी वही हाल है यार, भीड़ बहुत ज़्यादा है संडे का ना, संडे में मतलब आई थिंक कोई राधा स्वामी सत्संग का कोई डेरा लगता होगा यहाँ पे, तो उसके लिए बहुत ब्यासा ब्यास मतलब फेमस है ना, ब्यासा नीदेवर के पास है, हो सकता है उसका कोई चक्कर हो भाई। SLR कोच भाई, ओ भाई, अरे भाई मेरा कोच भर गया, अरे भाई मेरा कोच ही भर गया, मैं चला जाता हूँ इससे पहले मैं ही बाहर रह जाऊँ। ओ भाई ये है स्लीपर, ये देखो भाई AC कोच में सब क्राउड हो गया, पहले उधर था वहाँ से TT सर ने सारे निकाल दिए, अब आई थिंक इनको भी शायद बोल देंगे कि बाहर निकलो। अभी ये खाली जा रही है, लेकिन ब्यास से इसका बुरा हाल होने वाला है, जिस हिसाब से भीड़ देखी मैंने। लगभग हो रहा है अभी 2:45 के करीब, आधा घंटा डिले पहुंचाया है इसने अमृतसर में। मैंने देखा मेरे यहाँ बाहर निकलने से पहले ना वहाँ सीट पहले से बुक हो रखी है, सब जनरल क्लास पूरा बुक हो चुका अभी, और आगे तो भैया सत्संग ब्यास का वो आज मेला भी लगना है, तो ब्यास पे तो भैया जो भीड़ हो रखी है ना, मतलब ये तो गाड़ी पूरी पैक जाने वाली है, मैं भी इसी में जाऊंगा अभी लुधियाना, मेरे को वापस भी जाना है। बाकी जर्नी अब आप ही रेट करके बताओगी कैसी हो सकती है, शाने पंजाब ट्रेन थी और जर्नी तो भैया ऑसम तो है ही है, मतलब अंदर से भी मैं कहूँगा क्लीन थी और साफ़ सफाई बीच में हो रही थी, वॉशरूम ठीक ठाक था, ज़्यादा कुछ साफ नहीं मैंने दिखाया नहीं, लेकिन बता रहा हूँ कि ठीक ठाक था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। इस हिसाब से मैं टिकट की बात करूँ तो देखो 635 रुपये इसका किराया है नई दिल्ली से अमृतसर का AC चेयर कार का, दिल्ली पठानकोट का भी इतना ही लगता है और अमृतसर इंटरसिटी का भी इतना, मतलब AC चेयर कार ट्रेन में इंटरसिटी ट्रेन का शताब्दी का देख लो 995 रुपये लग रहा है जो अमृतसर शताब्दी, और स्वर्ण शताब्दी का 1030 रुपये लग रहा है, क्योंकि उसमें ना दोपहर का लंच भी अब इंक्लूड कर दिया उसने, पिछली बार मैंने की थी तब उसमें लंच इंक्लूड नहीं था, आना चाहो उसमें भी आ सकता है क्योंकि इस टाइम शताब्दी की भी वेटिंग चल रही है, तो कम से कम हफ्ता पहले करवा देना, और शान पंजाब की तो कम से कम लगा लो 2 हफ्ता पहले करवा लेना अगर AC में करवा रहे हो। मैंने चेक किया उसकी नॉन AC में मिल रही है आराम से, 2 दिन पहले भी करवाओगे मिल जाएगी 180 रुपये किराया, तो AC का थोड़ा है 3 ही तो डब्बे हैं। बाकी ये था फ्लाइट, अगर आप सर्च मारोगे फ्लाइट आपको भैया अगर 1 महीना पहले करवाओगे तो जाके आपको 2700-2800 की फ़्लाइट पड़ेगी, तो उससे अच्छा तो ट्रेन ही है, और ट्रेन भी शताब्दी ले लो, इससे अच्छा तो 1000 रुपये खर्च कर लो,
मतलब अमृतसर शताब्दी में आ जाओ, यहाँ स्वर्ण शताब्दी में आ जाओ, पूरा दिन का सफ़र इंजॉय करते हुए आओ, ये एडवाइस दूंगा आपको। आपको दिल्ली से अमृतसर आना है। यही थी मेरी शान पंजाब की जर्नी। होप सो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जल्द आपसे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।